मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने घोषणा की कि वह सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे। पहले ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि वह राज्य के हालात को देखते हुए इस्तीफा दे सकते हैं। क्यों अचानक बदल दिया निर्णय, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह द्वारा किए गए नाटक ने बीजेपी आलाकमान को मुश्किल स्थिति में डाल दिया है। मणिपुर में हिंसा रोकने के नाकाम रहने पर आलाकमान ने बीरेन सिंह को इस्तीफा देने को कहा। बीरेन सिंह ने राज्यपाल अनुसुईया उटके से 3 बजे का समय भी लिया, लेकिन राज्यपाल के पास नहीं पहुंचे। उधर दिल्ली से फोन आने के बाद बीरेन सिंह ने दोपहर 4 बजे ट्वीट कर कहा, मैं इस्तीफा नहीं दे रहा हूँ। इसके बाद दावा किया जा रहा है कि बीरेन सिंह द्वारा लिखा गया इस्तीफा फाड़ गया है। यह पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बीरेन सिंह का दावा है कि कुछ महिलाएं राज्यपाल से मिलने से पहले खुद इम्फाल के राजभवन पहुंची। उन्होंने मांग की कि बीरेन सिंह को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, बल्कि हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी का मानना है कि महिलाओं को भेजने का नाटक भी बीरेन सिंह ने ही किया है। शुक्रवार को दोपहर करीब 2:30 बजे बीरेन सिंह कई मंत्रियों और नेताओं के साथ अपने आधिकारिक बंगले से बाहर निकले और जब उनके काफिले ने राजभवन की ओर बढ़ने की कोशिश की तो हजारों लोगों जिनमें अधिकतर महिलाएं थी और महिलाओं ने उनकी कार को घेर लिया था और उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।